अगली खबर आ रही है रीवा जिले से, जहां सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में नशा मुक्त को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइकिल यात्रा के द्वारा घर घर पहुंचकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा, वहीं नशे के द्वारा होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाएगा। कार्यक्रम पूर्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हेमराज पांडे के नेतृत्व में 21 तारीख से शुरू हो रहा है। आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में अधिवक्ता और समाज सेवियों ने बताया कि नशा समाज को खोखला कर रहा है। जगह जगह बिक रहे अवैध मादक पदार्थों के चलते परिवार जहां टूट रहे हैं, वहीं अपराध में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हमारे स्थानीय संवाददाता विष्णु गर्ग ने आयोजकों के साथ साथ अन्य लोगों से चर्चा की है। आइए सुनाते हैं लोगों को इस जागरूकता अभियान को लेकर क्या कहना है। आपकी साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? सिमरिया ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त अभियान का जो उद्देश्य है, उसी के तारतम्य सिमरिया विधानसभा में भी और सिमरिया क्षेत्र में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, हर घर हर परिवार में हर पिता को चिंता का कारण नशा होता जा रहा है। सुख शांति से कोई परिवार जीवित नहीं रहने पा रहा। अधिकांशतः लड़के जो हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं। इसको किस तरह से समाप्त किया जाए, नशे का जो अभियान हम लेके चल रहे हैं समाज में, इसका उद्देश्य एक है कि नशा से हर परिवार को वंचित किया जाए और नशाखोरी से बचाया जाए। हर परिवार जो है आज ये तड़प रहा है कि हमारा लड़का बाजार जा रहा है, बाहर है, वो किस तरह से जीवन यापन करता होगा, ये चिंता हर घर में उसके बुजुर्गों को रहती है। उसी अभियान के तहत सिमरिया में हमारे मन में आया कि अपने साथियों के साथ क्यों ना नशा मुक्ति अभियान का एक कार्यक्रम सामाजिक दृष्टि से चलाया जाए। ये आपकी साइकिल यात्रा कहां से कहां तक चलेगी? ये साइकिल यात्रा हम सिमरिया से प्रारंभ होकर सिमरिया विधानसभा के हर पंचायतों में जाकर और इसका प्रथम चरण साइकिल यात्रा के माध्यम से नशा मुक्त अभियान का जन जागरण यात्रा 21 अक्टूबर 2022 से सुबह हनुमान पार्क से प्रारंभ होगी और एक एक गांव में जाएंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं आप इस रैली के संबंध में? क्योंकि नशा मुक्त अभियान इस समाज के लिए अत्यंत एक अभिशाप के तौर पर साबित हो रहा है, क्योंकि प्रजातंत्र की रीढ़ जो नवयुवक है वो नशा में लिप्त होकर प्रजातंत्र की भविष्य को घटता है। इस कारण से हम लोगों ने हमारे परम मित्र और हेमराज जी के निर्देशन में हम लोग जो है तो नशा मुक्त अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में सिमरिया क्षेत्र में हम लोग साइकिल यात्रा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस रैली यात्रा में सब जनमानस का सहयोग होगा और यह क्षेत्र जो है नशा मुक्ति के आधार पर एक स्वच्छ समाज का निर्माण करेगा और आने वाले समय में जिस तरीके से एक आम भाषा हो गई है प्रजातंत्र में कि कच्ची दारू कच्चा वोट, पक्की दारू पक्का वोट, मुर्गा हो तो करे सपोर्ट, इसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने दृढ़ संकल्प के साथ एक आवाज के साथ इस क्षेत्र को जगाने का काम करने के उद्देश्य से यह साइकिल यात्रा कर रही है। आपका क्या कहना है इस साइकिल यात्रा के संबंध में? इस संदर्भ में हमारा ये कहना है कि वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज पांडे जी द्वारा नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा जो उनके द्वारा की जानी है उनके नेतृत्व में, यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है नशा मुक्ति के लिए। लोगों के बीच साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर लोगों को नशा के सेवन से दूर रहने की सलाह देने
का तरीका बताया जाएगा। वर्तमान में सेवरिया क्षेत्र की खास तौर से हालत ये है कि यहाँ का युवा पीढ़ी नशा के जद में आकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। नशा एक ऐसी चीज है, नशे के चलते कई तरह की आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सेवरिया नगर समेत ग्रामीण अंचलों में नशे का सामान आसानी से उपलब्ध हो रहा है। प्रशासन और संबंधित विभाग द्वारा नशा का सामान बेचने वाले लोगों के खिलाफ आज तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं की जा रही। और नशा एक ऐसी चीज है कि जो आदमी के विचारों को, स्वभाव को और व्यवहार को भी विकृत करता है। नशा नाश की जड़ होती है और नशा का जिस तरह से उपयोग युवा पीढ़ी कर रही है, नशा से मुक्त करने के लिए